नाम मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। नहीं रहे पूर्व सांसद डीपी त्रिपाठी, शरद पवार ने कहा, उनका निधन मेरे लिए एक निजी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। पवार ने यह भी कहा कि त्रिपाठी ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पार्टी में शौक की लहर गुंज उठी है। त्रिपाठी वह 66 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। पवार ने यह भी कहा कि त्रिपाठी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी शुरुआत से ही थे और उनका निधन मेरे लिए निजी क्षति है। वही दूसरी खबर सामने आ रही है, त्रिपाठी के निधन पर नेताओं ने कहा, सलाहकार, मार्गदर्शन और दोस्त हमने खोया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर गुंज उठी है। राष्ट्रवादी नेता सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया है कि डीपी त्रिपाठी जी के निधन से काफी दुखी हूं। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव और हम सब के मार्गदर्शक थे। वहीं विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साथ विश्व मुद्दों पर की गई बातचीत को याद किया जा रहा है। वही तीसरी खबर सामने आ रही है, सीएम ने कहा, असम का बेटा होने के नाते विदेशियों को नहीं बसने दूंगा, ये सभा सर्बानंद सोनोवाल कभी नहीं होने देगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नववर्ष के अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि सीएए अब एक राष्ट्रीय कानून है और असम के मूल निवासियों के हितों का ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी नया आदमी नहीं आएगा और यदि वे कोशिश करेंगे तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।